रशिया का वीज़ा लगा है हमारा। जो टीचिंग मैथड आ जी वो बहुत वधिया है कि आप यमुनानगर या चंडीगढ़ होर पासे जाने की लड़ नहीं है, एक स्टूडेंट चाहिए टीचिंग मैथड वधिया वाला जी जो सानू इत्थे वधिया मिल रहे। यहाँ वीज़ा मास्टर में मैं स्टडी कर रहा हूँ, रोज़ अप डाउन होता है मेरा। जो हमारी मैम है वो भी हमें एक एक जो हमारी प्रॉब्लम होती है उनको अच्छे से वो क्लियर कराते हैं। सो क्लियरिंग द आइल्स एंड पीटी टेस्ट विल हेल्प देम टू स्टडी ओवर देयर मोर केयरफुली एंड इन अ डेडिकेटेड मैनर सो दैट दे कैन सेटल ओवर देयर। जो बच्चे विदेश जाकर स्टडी करना चाहते हैं एक बार भी जमास्टर बिलासपुर पे जरूर आए। तो जो बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं और बाहर जाकर स्टडी करने की इच्छा रखते हैं या विजिटिंग के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ वीज़ा मास्टर बिलासपुर में। तो चलिए हमारे साथ अंकुश जी हैं। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ स्कीम्स हैं, बच्चे किस तरीके से बाहर जाने के इच्छुक हैं, कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं, कैसे जा पाएंगे, लॉकडाउन में क्या परिस्थितियाँ, तो उन सबकी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। सर सबसे पहले स्वागत है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी सर धन्यवाद। सबसे पहले HR71 देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने क्वेश्चन किया है कि लॉकडाउन के बाद से क्या परिस्थितियां बनी हैं बच्चों के लिए, क्या स्टूडेंट्स के लिए क्या नए स्कोप्स बन के आए हैं या क्या पिछले स्टूडेंट्स के लिए क्या जो रिफ्यूज़ल लिए बैठे हैं बच्चे, क्या उनके लिए कुछ कुछ ओवरसीज एजुकेशन में कुछ रास्ते नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, या जो कंट्रीज़ ने लॉकडाउन अपने बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं वो अपने बॉर्डर्स को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन करेंगे भी या नहीं करेंगे, या जिन्होंने ओपन कर दिया है वहाँ पर बच्चों की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैं आपको वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शेनेगन एरिया की। शेनेगन की मोस्ट ऑफ़ दी कंट्रीज़ ने अपना वीज़ा विंडोज़ जो है ओपन कर दी है, वो चाहे शॉर्ट टर्म वीज़ाज के लिए हो या लॉन्ग टर्म वीज़ाज के लिए हो, ठीक है सर। उसमें आपको लॉन्ग टर्म वीज़ाज में जो स्टूडेंट वीज़ाज हैं तो जो शेनेगन एरिया में जाके स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी के पर्पज़ से शेनेगन जाना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, इन कंट्रीज़ में जो जाके स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि उन्होंने अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए हैं और जल्दी जल्दी बच्चों के स्टूडेंट वीज़ा भी हमें सक्सेसफुली मिल रहे हैं। दूसरी मैं बात करता हूँ यूके की। यूके में आप विदाउट आइल्स या आइल्स दोनों के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने अपने बॉर्डर्स ऑलरेडी बहुत टाइम से ओपन कर रखे हैं, ठीक है सर। और दूसरी बात, तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम कनाडा की। कनाडा ने पिछले सितंबर इनटेक में बहुत बच्चों को निराश भी किया, लेकिन इसके बावजूद जो विंटर इनटेक के लिए बच्चा जाना चाहता है 2022 के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए बड़ी अच्छी खबर आई है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने किसी भी कारण से जिनको रिफ्यूज़ल मिला है, वीज़ा नहीं मिल पाया, वो आने वाले टाइम में अप्लाई करके रीअप्लाई करके आसानी से वीज़ा गेट कर सकते हैं, ठीक है सर। जो वीज़ा मास्टर जो सर्विस दे रहा है वो स्टूडेंट वीज़ाज के अलावा टूरिस्ट वीज़ा, जो कई कंट्रीज़ में टूरिस्ट वीज़ा लगता है वो उस टूरिस्ट वीज़ा में भी अपनी सेवाएं दे रहा है। और भी किसी भी प्रकार से आप माइग्रेट होना चाहें तो उसके लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। वर्क परमिट में हम डील्स नहीं करते, बट फिर भी अगर कोई स्टूडेंट हमसे या कोई भी जो अब्रॉड सीकर है अगर वो हमसे कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहे, हमसे कोई कंसल्ट करना चाहे किसी विषय में इमिग्रेशन रिलेटेड इश्यूज को लेके, वो हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकता है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल भी कर सकता है जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आपको ईमेल प्रोवाइड कर देंगे, वो अपने फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो वर्क परमिट है, चाहे वो विजिटर वीज़ा है, उसके लिए अपनी असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकता है। मेनली वीज़ा मास्टर जो है स्टूडेंट वीज़ा में सर्विसेज देता है, और हम यहाँ पे आइल्स और पीटी का ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं काफ़ी टाइम से, बच्चे के अच्छे रिजल्ट्स बच्चों के हमें गेट हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में वीज़ा मास्टर बच्चों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर का एक रास्ता बन के उभरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आप चाहें तो जहाँ से जगाधरी साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो शिव चौक के पास, या कहीं से भी आप अप्रोच कर रहे हैं बिलासपुर में आके शिव चौक के पास आप हमें
ऑफिस में वन टू वन मीटिंग के लिए मिल सकते हैं कभी भी। लोगों से अपील यही करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स अपने निराश ना हों, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, चाहे आपने रिफ्यूज़ल लिया हो, किसी भी कारण से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो, आप हमसे आगे मिलें, हम आपका दोबारा रिप्लाई करेंगे। किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, अपनी फाइल की फ्री असेसमेंट कराना चाहते हैं या कोई भी फ्री कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आप आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ में आपको गाइड करेंगे। स्टडी के लिए अभी फ्रांस और जर्मनी, इटली और यूके और कनाडा ओपन है। अभी ऑस्ट्रेलिया के केसेस अभी थोड़ा स्टूडेंट्स को लेके थोड़ा डाउटफुल हैं कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, बट रिसेंट में भी हमें बहुत सारे वीज़ाज प्राप्त हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये रिसेंट PPRs आई हैं स्टूडेंट्स की, ये ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा आया है और ये PPR, ये रशिया के लिए वीज़ाज आए हैं स्टूडेंट वीज़ा, तो आप देख सकते हैं इनको। जो बच्चे बाहर जाने के इच्छुक हैं आप देख सकते हैं, ठीक है सर। और बाकी ये PPRs हैं, हमें बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट्स के लिए। जब स्टूडेंट्स का वीज़ा आता है तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। तो हमारे साथ यहाँ पर IELTS PTE की टीचर महक जी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि मैम यहाँ पर IELTS PTE स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो कि विदेश में जाकर पढ़ने के इच्छुक हैं। IELTS and PTE both are very important for learning in abroad because it is the native language in various foreign countries. So clearing the IELTS and PTE test will help them to study over there more carefully and in a dedicated manner so that they can settle over there. And it is quite necessary for them to get their study visa. My name is Hardeep Singh. I am taking PTE coaching. I am telling you that the teaching method is very good. कि अपना यमुनानगर या चंडीगढ़ होर पासे जाने की लड़ नहीं है, एक स्टूडेंट चाहिए टीचिंग मैथड वधिया वाला जी, जो सानू इतने वधिया मिल रहे हैं, स्टाफ आ वो वधिया सानू मोटीवेट करते हैं जी। तो वीजे बारे भी सर ने जी बहुत वधिया मोटीवेट करते हैं, तो सानू एवें नहीं कि अपना बड़े शहर से जाइए चंडीगढ़ यमुनानगर कितने होर जाइए जी, वो जरूरत नहीं, जो सानू अपने घर मिल रहा सारा कुछ जी। सर मैं कनेडा जी जाना, एक बैच 7.5 घंटे का है, इसमें हर एक डाउट कोई भी पूछना है आपने जब मर्जी आप पूछ सकते हैं। और मैं सडोरा से हूँ, यहाँ वीज़ा मास्टर में मैं स्टडी कर रहा हूँ, सडोरा से रोज़ अप डाउन होता है मेरा। टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा जी, हमारे मैम मिस मैक गोरी बहुत अच्छा समझाते हैं जी, मतलब कल्ला कल्ला डाउट अगर कोई भी पूछना है जी आपने तो जब मर्जी जिस टाइम। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, वीज़ा मास्टर टू थैंकफुल टू यू एंड अंकुश जी और विराट जी और अनुज जी का स्पेशली थैंकफुल, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमारा वीज़ा लगा है रशिया का वीज़ा लगा है हमारा, और हम काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम वीज़ा लगा है हमारा। थैंक यू टू ऑल।